हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं नसीम अंसारी सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं दुआ करूंगा कि सभी का जो भी दिल में ख्वाहिश है वो पूरा हो और लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ें, ठीक है, और समाज का सेवा करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो स्टूडेंट चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था, बहुत सारा कमेंट आ गया था, तो इससे पहले भी मैंने रिप्लाई किया था। तो चलिए आज देख लेते हैं कि जो झारखंड बीएड काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा उसके रिगार्डिंग, और जो एडमिशन लेना है कॉलेज के रिगार्डिंग, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड आप लोग का जो भी क्वेश्चन है उसको चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो कमेंट है वो एमडी सऊद अख्तर का है। इनका कहना है कि ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग होना चाहिए था। तो अब क्या कीजिएगा, देखिए ऑफलाइन हो रहा है तो अब यहाँ पर तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, टाइम भी नहीं मिला, ठीक है। नहीं तो हम लोग, मैं जाता रांची यूनिवर्सिटी, मैं जाता वहां जाकर, जो भी मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है, कि जो मैं वहां यूनिवर्सिटी गया था, ठीक है, तो मैं जाकर मिल सकता था, रिक्वेस्ट करता, बट अब उनके अब जो भी वो लोग डिसीजन लिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ब्रिजेश मंडल का। ब्रिजेश मंडल का कहना है कि हाउ टू मेक पेमेंट, ठीक है, पेमेंट कैसे करना है। तो ब्रिजेश देखिए, रांची यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा ना वो ओपन हो जाएगा, एक या दो दिन के अंदर ओपन हो जाएगा। मैं आप लोग को बता दूंगा कि ऑफिस जो लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, लिंक को ओपन कर दिया जाएगा रांची यूनिवर्सिटी का, जो जहां पर आपको पेमेंट करना है, ठीक है, तो लिंक ओपन हो जाएगा तो वहां पर पेमेंट आपको करना है। पेमेंट का दो तीन दिन, एक दो दिन या दो तीन दिन इस तरह का टाइम कुछ मिलेगा, उसमें आपको 600 रुपीज, ठीक है, या फिर जो भी इस तरह का अमाउंट होगा वो आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ये लिंक क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद फिर इसके बाद दिखेगा कि काउंसलिंग डेट इतने तारीख से काउंसलिंग है, और काउंसलिंग में वहां लिखा हुआ रहेगा सारा चीज। जब आप एक्टिवेट, लिंक होता ही रहेगा, बार बार अपडेट आपको मिलता ही रहेगा रांची यूनिवर्सिटी के साइट में कि इतना से इतना सीएमएल रैंक को इतने तारीख को आना है, इतना से इतना को इस दिन को आना है, ठीक है, उस तरह से होगा। नेक्स्ट है झारखंड शुभ जर्नी। इनका कहना है कि पीएच कैटेगरी है और 2500 रैंक है ना, कैटेगरी रैंक है 2500, पीएच के हैं, कैटेगरी रैंक है 2500। तो देखिए इससे पहले हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पीएच से थे, बट उनका रैंक बता रहे थे, एक स्टूडेंट था वो 15,000 से 18,000 उनका रैंक था कैटेगरी रैंक, बट उनका तब भी एडमिशन हुआ था। तो इसीलिए आप होप कीजिए, हो सकता है कि पीएच में आपको आराम से आपको जगह मिल जाए। हाँ, लेकिन पीएच के और भी कैंडिडेट होंगे, यदि ज्यादा पीएच में ज्यादा कंपटीशन नहीं रहा तो आपको गवर्नमेंट भी मिल सकता है, आपका लक यदि अच्छा रहा तो, ठीक है ना, इसलिए आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और देखिए जो ऑफलाइन जो हो रहा है ना, तो इसमें ना पार्सलिटी नहीं होगा, है ना, पार्सलिटी नहीं होगा, सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। सीएमएल रैंक ही एक सीएमएल जो भी रैंक मिला है वो भी एक वही एक तरह का रैंक हो गया। यहां पर कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग किसी को नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है ना, सीएमएल के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बारला गेट गोल, है ना, इनका कहना है कि कांके बीएड कॉलेज का प्लान था सर और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, मैं दुआ करूंगा कि मैंने बताया था कि हो सकता है कि ब्लैकलिस्टेड शायद हो सकता है कांके बीएड कॉलेज, तो वैसा नहीं है, ठीक है, वैसा रहता तो पता चलता। वैसे मैं बहुत जल्द मैं कांके बीएड कॉलेज जाऊंगा और वहां जाके पता करूंगा, ठीक है, और मैं आपको फिर कमेंट के थ्रू मैं बता दूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका मैं दुआ करूंगा कि आपका उसी कॉलेज में एडमिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है शकीबा परवीन, डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाना है। तो मेरा जहां तक अंदाज है कि डॉक्यूमेंट जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जेरोक्स ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, और बीएड का जो रिजल्ट आपका आया है उसका डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें सीएमएल रैंक आपका दिया हुआ है, स्कोर कार्ड जो आपका रैंक मिला है रैंक कार्ड उसको ले जाइएगा, और कुछ फोटोग्राफ ले लीजिएगा, ठीक है, और यदि कैटेगरी से हैं तो रेजिडेंशियल कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर चले जाइएगा, इतना लेकर जाइए, ठीक है, भले मांगे या ना मांगे आपको लेकर जाना है, ताकि कोई बहाना नहीं देना है उनको छांटने का, वो लोग तो बहाना खोजेंगे ना। नेक्स्ट है फातिमा नरगिस। फातिमा नरगिस का कहना है कि सीएमएल रैंक 27,000 है सर, एडमिशन होगा क्या। तो देखिए टेंशन मत लीजिए फातिमा मैम, आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि तीसरा काउंसलिंग में आपका ना हो, सपोज यदि नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, उसके बाद फिर इसके बाद ना रांची यूनिवर्सिटी ये काम कॉलेज को दे देगी कि ओपन काउंसलिंग अब आप लोग कर लीजिए
और जिस कॉलेज में जो भी बच्चे जाएंगे कंसल्ट करेंगे तो उनका उसमें हो जाएगा। लेकिन ओपन काउंसलिंग कब होगा इसका पता करते ही रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि ओपन काउंसलिंग हो चुका है और आपको पता नहीं चला और बाकी लोग आके वहां पर जो भी सीट 10-20-30 जो भी ओपन काउंसलिंग का जो सीट कॉलेज वालों को अपना रिजर्व रहता है उनको उनको राइट रहता है कि आप अलग से आप ले सकते हैं, आप जिसको भी चाहे ले सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना कि वो फुल हो जाए, तो लेकिन मैं बताते ही रहूंगा, आप भी पता कीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आपको पता चल ही जाएगा कि कितना CML रैंक को कितने तारीख को बुलाया जा रहा है। वैसे मैं वीडियो बनाकर बताते ही रहूंगा कि कल इतना से इतना CML को जाना है, कल नेक्स्ट डे अब इतना से इतना CML चले जाइएगा, रांची आ जाइएगा, तो मैं बताते रहूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इन्फिनिटी थॉट्स। इनका कहना है कि थैंक यू सर आपने बताया, तो ठीक है, थैंक यू। पूजा मोदी का कहना है कि CML 40,920 है, क्या होगा सर? तो देखिए, तीसरा काउंसलिंग में तो नहीं बुलाया जाएगा, है ना, रैंक तो देखकर ही लग रहा है कि तीसरा काउंसलिंग में नहीं बुलाया जाएगा, बट कोई बात नहीं, ओपन काउंसलिंग हो जाएगा। ओपन काउंसलिंग में आपको आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। बहुत से प्राइवेट कॉलेज के साथ मेरा कंसल्ट भी है, जान पहचान भी है, ठीक है। तो यदि दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा, खास करके रांची में और धनबाद में और बोकारो में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमिला टूडू, इनका कहना है कि CML रैंक 34,644 है, एसटी रैंक, ठीक है, एसटी रैंक मिलेगा, हाँ ठीक है। हाँ, आपको देखिए, हो सकता है तीसरा काउंसलिंग में आपको नहीं बुलाया जाएगा, बट ओपन काउंसलिंग होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, पता चल जाएगा, ओपन काउंसलिंग में आप चले जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सगीर का कहना है कि रिगार्डिंग वन ईयर बीएड के बारे में। तो देखिए सगीर, वन ईयर बीएड के बारे में 2023 से सुन रहे थे, लेकिन यदि जैसा भी होगा तो बता दिया जाएगा। और आप कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे, तो इसी मेरे चैनल में देखिएगा कि अबाउट सेक्शन में जाकर देखिएगा कि उसमें टेलीग्राम को लोगो दिया होगा, उसको क्लिक कीजिएगा। तो मैंने आप लोग के लिए ही नया ग्रुप बना दिया है, ग्रुप का नाम है नसीम अंसारी सर बीएड इन्फो, मतलब बीएड का इन्फॉर्मेशन। तो उसको क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, जो भी आपको पूछना होगा आप वहां मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शीतल केरकेट्टा, ठीक है, इनका कहना है कि CML रैंक है 30,568, कब बुलाया जाएगा कि नहीं। तो देखिए, CML रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जा रहा है, तो हो भी सकता है कि आपको तीसरा काउंसलिंग में ना बुलाया जाए, बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, ओपन काउंसलिंग होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, पता चल जाएगा ओपन काउंसलिंग के बारे में, तो वहां जाइएगा और फिर हो जाएगा, ठीक है, जाकर कॉलेज से बात कीजिएगा और आपका हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा ज्यादा चांस है। नेक्स्ट है प्रीति कुमारी का है CML रैंक 12,795, आउट ऑफ झारखंड से हैं, झारखंड से बाहर के यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं प्रीति कुमारी, और क्या होगा मेरा क्या होगा। तो देखिए प्रीति, आपका 12,795 आपका CML रैंक है, तो CML रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, तो चांस है कि आपको भी बुलाया जाए, 13,500 सीट है, तो आपका 12,000 है, तो हो सकता है आपका लक अच्छा रहा तो तीसरा काउंसलिंग आपको बुला लिया जाएगा और चांस है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है संकल्प कॉमर्स क्लासेस ऑफ सौरभ सर, तो इनका कहना है कि 7 दिसंबर से PG का एग्जाम है, तो सौरभ सर आप टेंशन मत लीजिए, 7 तारीख से आपका एग्जाम है, तो हो सकता है कि रांची यूनिवर्सिटी को ये पता चल जाए, वो लोग पता कर लेंगे, या फिर और भी लोग तो कॉल करेंगे ना कि एग्जाम है पीजी का, तो हो सकता है डेट को आगे पीछे कुछ कर दिया जाएगा, ठीक है ना, और हो जाएगा। और ठीक है, एक बार डेट आने दीजिए काउंसलिंग का, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे, मैं तो मिलता ही रहूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जब तक आप लोगों का बीएड में एडमिशन नहीं हो जाता साथ नहीं छोड़ूंगा, और एडमिशन हो भी जाएगा उसके बावजूद भी साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, चलिए, ठीक है सौरभ सर। नेक्स्ट है गबला सकम, इनका कहना है कि टेट एग्जाम 2016 झारखंड में कितना बार हुआ है, तो एक बार 2016 में हुआ था, और उससे पहले 2012 या 13 के आसपास में और एक बार हुआ था, तो 2 बार टेट का एग्जाम हुआ है ना। नेक्स्ट है MD आसिफ रिजवानी, इनका कहना है कि थैंक यू सर, आप हम लोग को इतना हेल्प कर रहे हैं, तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट है सादिया अफसर का कहना है कि मेरा रैंक है 11,000 और मेरे कजन का रैंक है 4,000, ठीक है 4,000 है,
तो देखिए 13,500 बच्चों को बुलाया जाएगा सादिया मैम। सादिया मैम आप सुनती होंगी, 13,500 या 14,000 या 15,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपका रैंक है 11,000 और आपके कजन का है 4,000। तो आप लोग, लेकिन आपके कजन को पहले बुलाया जाएगा, उनका 4,000 रैंक है तो उनको पहले बुलाया जाएगा, आपको बाद में बुलाया जाएगा। तो आपके कजन जो भी कॉलेज लेंगे, जो भी कॉलेज को डन करेंगे, उनको वहाँ डन करना पड़ता है, जो भी कॉलेज को लॉक करेंगे, लॉक किया जाएगा आपके कजन के द्वारा, सेम वही कॉलेज आपको भी लेना है, ठीक है, आप वही कॉलेज ले लीजिएगा यदि ऑप्शन रहा तो। तो लक रहा तो दोनों का सेम कॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए याद रखिएगा कि दोनों का आपस में बात कर लीजिएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनिर्बेन बोस, सर महेंद्राज का स्टूडेंट आपसे क्लास किया था, ठीक है, थैंक यू अनिर्बेन। नेक्स्ट है श्रेया कुमुद, काउंसलिंग किस डेट में होगा? अभी देखिए एक दो दिन के अंदर में पोर्टल ओपन हो जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें फी पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट सबका मिल जाएगा तो वो पोर्टल क्लोज हो जाएगा पेमेंट का, फिर उसके बाद काउंसलिंग का डेट उसमें आ जाएगा तो पता चल जाएगा। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, मैं सारा चीज बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है नीरज कुमार, नीरज का कहना है कि ओपन एडमिशन होगा क्या 3 काउंसलिंग हो जाने के बाद, या फिर हो सकता है कि रांची यूनिवर्सिटी को मन करे तो 4 काउंसलिंग भी हो जाए, बट जनरली 3 काउंसलिंग होता है। तो 3 काउंसलिंग होने के बाद कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी कॉलेज को ये राइट दे देगी, अब आप लोग ओपन काउंसलिंग कर लीजिए और बच्चों को आप, बच्चे आपसे कंसल्ट करेंगे तो आप बच्चे को आप बुला लीजिए। लेकिन हाँ, जो लोग जेसीई सीईबी के द्वारा जो एंट्रांस एग्जाम हुआ था, जो लोग एग्जाम दिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर जिनके पास है, रोल नंबर, वही लोग वहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। चलिए जो लोग एग्जाम नहीं दिए उनका क्या होगा उसके बारे में मैं फिर आप लोग को बाद में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपराजय का कहना है कि सीएमएल है 4,000, ओबीसी कैटेगरी रैंक है 1,300, तो अच्छा सेमी गवर्नमेंट का ना, ठीक है। अपराजय आपका यदि लक अच्छा रहा तो आपका सेमी गवर्नमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। जिस दिन भी आपको बुलाया जाएगा टाइम से पहले पहुंच जाएगा, लेट मत कीजिएगा, लक अच्छा रहा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने का चांस है थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट्स फन, आई एम फ्रॉम बिहार और रिसेंटली आई एम लिविंग इन टाटा में रहते हैं, बिहार से हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगे क्या? आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, यदि झारखंड का नहीं है तो बिहार का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप वो सब ले लीजिएगा, जाति आवासीय इनकम जो भी बिहार का आपका है, जहाँ के आप प्रॉपर हैं, आप उस सर्टिफिकेट को ले लीजिएगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा, ठीक है, इतना आप लेकर, और जो सीएमएल रैंक का जो रैंक कार्ड मिला है उसको भी डाउनलोड करके ले आइएगा, ठीक है, इतना लेकर आइएगा, और उसके बाद टेंशन आपको नहीं लेना है, जो भी है फैक्ट उसी को दिखाना है। नेक्स्ट है शकीलाज किचन, इनका कहना है कि थैंक यू सर, आप इस तरह से स्टूडेंट को गाइड करते हैं, तो थैंक यू मैम, वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट है काजल का कहना है, हाँ काजल का रैंक है 14,000, काजल कुमारी, इनका सीएमएल रैंक है 14,000, इनका कहना है कि मेरा क्या होगा सर? तो 100% आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, जिस डेट को बुलाया जाएगा उसमें टाइम से पहले पहुंच जाना है, ठीक है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लेट होने के कारण किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग में, और चांस है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अमित राज का सीएमएल रैंक है 20,939 और कैटेगरी रैंक है 3,000। तो अमित 20,000 आपका है ना, देखिए, और कैटेगरी रैंक 3,000 है, तो आपका कैटेगरी रैंक 3,000 तो है बट सीएमएल रैंक आपका 20,900 है, तो और सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो सबको जनरल ही ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पीएच हो, ईडब्ल्यूएस हो, सबको एक तरह से देखा जाए तो जनरल ट्रीट किया जा रहा है रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन यदि आप सीएमएल रैंक के द्वारा बुलाया जा रहा है, लेकिन आपने यदि BC1 है, आप BC2 हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या एसटी प्रिमिटिव से हैं, ठीक है, या पीएच से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो यदि आप वैलिड वो डॉक्यूमेंट दिखा पाइएगा तब आपको वेरीफाइड ओके आपको कर दिया जाएगा कि कैटेगरी में आपका जो भी रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगा, तो आपको ज्यादा चांस होगा एडमिशन का, ठीक है ना, नहीं तो सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग ही बुला जाता है, ठीक है।
प्रीति कुमारी सीएमएल है 12700 समथिंग है, अदर यूनिवर्सिटी से है, तो अदर यूनिवर्सिटी से है चाहे रांची से है चाहे झारखंड से है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि रांची यूनिवर्सिटी को है, उसको तो सीएमएल रैंक चाहिए। सीएमएल रैंक आपका जिस दिन डेट आएगा, चांस है कि आपका सबसे लास्ट में हो सकता है कि लास्ट लास्ट में बुलाया जाएगा, तो लक अच्छा रहा तो आपको प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा और आपको कॉल किया जाएगा, क्योंकि 12000 के आसपास आपका सीएमएल रैंक है। नेक्स्ट देखते हैं बिक्की सिंह। बिक्की सिंह सर 4000 समथिंग इनका कैटेगरी जनरल से है और सिटी कॉलेज इनको चाहिए, बोकारो का जो सिटी कॉलेज है सेक्टर 6 में है इनको चाहिए, और रैंक इनका सीएमएल रैंक है इनका 4000 है, और सिटी कॉलेज जो है बोकारो की वो तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कितने बार काउंसलिंग होगा? काउंसलिंग देखिए हो सकता है 3 बार होगा, एक ही दिन काउंसलिंग नहीं होगा, काउंसलिंग काफ़ी दिन वो चलेगा, ठीक है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, काउंसलिंग में टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि आपको तो काउंसलिंग में बुलाया ही जाएगा, बट आप अपना ऑप्शन रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आप दे दीजिएगा सिटी कॉलेज का, सेकेंड ऑप्शन आप दे दीजिएगा आरएसपी कॉलेज झरिया का, तीसरा ऑप्शन आप दे दीजिएगा डोरंडा कॉलेज रांची का, इस तरह का आप दे दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर जो प्राइवेट कॉलेज है ARS BEd कॉलेज जो है बोकारो में, उसका तब फिर लास्ट में दे दीजिएगा, बट फर्स्ट प्रेफरेंस आप BEd कॉलेज का दे दीजिएगा, लक अच्छा रहा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रैंक मेरा CML रैंक अच्छा नहीं है, बट मेरे से जो अच्छा रैंक लाए हैं वो लोग, हो सकता है कि कैटेगरी या फिर जो भी उनका है वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, या फिर बहुत से ऐसे पैसे वाले स्टूडेंट हैं जिनका घर उस कॉलेज से दूर था, तो अपने घर के पास में कोई प्राइवेट कॉलेज में ही ले लिए कि मेरे पास मनी प्रॉब्लम नहीं है, तो इस कारण से कभी कभी लक साथ देता है ना, तो टाइम से जब हम लोग काउंसलिंग में पहुंचते हैं सही समय पर जब बुलाया जाता है, तो हो भी सकता है कि सीट खाली रहा तो आपको मिल जाएगा, पार्शलिटी नहीं किया जाएगा, ठीक है, पार्शलिटी नहीं होगा। ये जो ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा है ना, भले मानते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत है, जो दूर से है उनको दिक्कत होगा, बट इसमें फेयर सिलेक्शन होगा, पार्शलिटी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, यदि मिलने का है तो जरूर मिलेगा ही, बट यहां पर लक भी कभी कभी साथ देगा, ठीक है, बहुत सारा लक हो सकता है इसमें, बहुत सारा रीजन हो सकता है। रोहित कुमार कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहे हैं, तो देखिए हमारे चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वहां जाकर आप टेलीग्राम का लोगो मिलेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, आज ही बनाया है, क्लिक कीजिएगा नसीम अंसारी सर बीएड इन्फो, तो वहां ज्वाइन कर जाइएगा, जो भी आपको पूछना होगा मैसेज कीजिएगा, ठीक है। बिरसा एकेडमी का कहना है कि बॉयज के सीट्स गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में कितने हैं, तो देखिए टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 4 है, चार में से जो एक कॉलेज है, चार गवर्नमेंट कॉलेज में जो एक है बरियातू रांची में, वो गर्ल्स के लिए है, बाकी बच गया तीन, ठीक है, बच गया कौन सा तीन, तो एक हो गया कांके टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, एक हो गया हजारीबाग टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, और एक हो गया देवघर, तो 3 बॉयज के लिए हैं गवर्नमेंट, और सेमी गवर्नमेंट में टोटल 21 कॉलेजेज हैं, जिसमें 5 कॉलेज हैं गर्ल्स के लिए, 5, तो कितने बच गए, 16 बच गए, यानी सेमी गवर्नमेंट में 16 है बॉयज के लिए और प्योर गवर्नमेंट में 3 है बॉयज के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, बानो नरगिस, इनका कहना है कि आर यू ओपन काउंसलिंग नहीं कराएगी, ओपन काउंसलिंग नहीं, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे हैं, कहाँ जाना होगा, 2022-24 ही सेशन मुझे चाहिए, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और सीएमएल रैंक 25000 है, ओपन एडमिशन के लिए क्या करना होगा और कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तो 25000 आपका रैंक है, तो चांस है कि काउंसलिंग में हो सकता आपको नहीं बुलाया जाएगा, बट ओपन काउंसलिंग होगा और वो रांची यूनिवर्सिटी ओपन काउंसलिंग नहीं करवाएगी, अलग अलग जितने भी झारखंड के 136 या 137 कॉलेज जितने भी हैं उनको राइट रांची यूनिवर्सिटी दे देगी 13,000-14,000-15,000 बच्चों को लेने के बाद, या 16,000-17,000-18,000 या 20,000 के आसपास के बच्चों तक, 18,000-20,000 बच्चों को लेने के बाद काउंसलिंग के थ्रू, बाकी बच्चों के लिए रांची यूनिवर्सिटी क्या करेगी, ये राइट मिल जाएगा बाकी कॉलेज को कि अब आप लोग ओपन काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो आपका ओपन काउंसलिंग हो जाएगा। गोड्डा में आप पता कीजिए कि प्राइवेट कॉलेज कहाँ पर है, ठीक है, गोड्डा में आप पता कीजिए कि प्राइवेट कॉलेज कहाँ पर है, अभी से आप बात करके रखिए, या फिर धनबाद या बोकारो का कोई कॉलेज यदि आपको प्राइवेट में चाहिए तो मैं अभी से ही आपके लिए बात करके रखूंगा, ठीक है, और पहले से ही बात कर लेंगे तो यानी बाद में रिस्क नहीं रहेगा, हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए ना, हो जाएगा। एमडी आसिफ रिजवानी,
सीएलसी या करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना होगा क्या? देखिए सीएलसी और करेक्टर सर्टिफिकेट ये सब सारा चीज आपको ना, ये सब आपको चाहिए जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और जिस कॉलेज में आप जाएंगे एडमिशन के लिए अलॉटमेंट लेटर लेकर, आपको वहां पर सारा चीज चाहिए। आप इस कॉलेज में क्या कीजिएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले आइएगा अपना, और आधार कार्ड ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा, और जो सीएमएल का जो डाउनलोड करके जो रैंक कार्ड मिला है वो ले लीजिएगा, ठीक है। और यदि कैटेगरी से है तो रेसिडेंशियल कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट ले जाइएगा, इतना ले जाइएगा, फोटो ये सब ले जाइएगा, ठीक है। बाकी का मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है आयशा अयान, इनका कहना है कि सर लाइव कब आइएगा? तो देखते हैं, अभी तो ये रिकॉर्डेड है बट लाइव कोशिश करते हैं आने का जल्दी, ठीक है। और सीएमएल 29,000 समथिंग है, कैटेगरी में 9,000 है आयशा अयान का। देखिए आपका कैटेगरी तो कैटेगरी रैंक तो आपका ठीक ठाक है, लेकिन सीएमएल रैंक आपका 29,000 है। आरयू जो है रांची यूनिवर्सिटी, ये सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग बुला रही है, तो चांस है कि हो भी सकता है कि आपको ना बुलाया जाए, बट ओपन काउंसलिंग होगा तो उस समय मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, ठीक है। ओपन काउंसलिंग जब होगा ना तो मैं आप लोग की कंसल्ट में ही रहूंगा और मैं हेल्प भी करूंगा कि कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है या फिर सीट है कि नहीं, या फिर आप लोग के लिए मैं कॉलेज में बात भी करूंगा, और कुछ कुछ कॉलेज में मैंने ऑलरेडी मैंने बात भी किया है और आप लोग के लिए बात करूंगा यदि आप लोग बोलिएगा तो, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ओपन काउंसलिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो आयशा मैम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका प्राइवेट में आपका एडमिशन हो जाएगा, ओपन काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। नूतन हेम्ब्रम नेक्स्ट है, नूतन हेम्ब्रम का कहना है कि चलिए कि कैसे हैं सर आप हेल्प करते हैं हम लोग को, ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट है रवि गुप्ता, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सा लगे? देखिए रवि, एक होता है सेंट्रल लेवल से एक बनता है, ठीक है, तो वो मेनली गवर्नमेंट जॉब के लिए दिया जाता है, बट रेसिडेंशियल और कास्ट और इनकम का तीनों अलग अलग बनता है, जो जेएच स्लैश करके जो नंबर मिलता है, जो ठीक है जेएचआरसी, जेएचसीसी इस तरह का, जेएचआईसी मतलब इनकम, कास्ट सर्टिफिकेट तो सीसी, रेसिडेंशियल है तो जेएचआरसी करके ऐसे रहता है ना, हम लोग बनाते हैं वो 10-15 दिन में बन जाता है, ठीक है, वही सर्टिफिकेट मतलब यहां पर सही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों में से जो भी है आप उसको ले लीजिए। सपोज आपके पास आपको रेसिडेंशियल कास्ट और इनकम आपको अप्लाई करना है तो अभी भी अप्लाई आप कर दीजिए, और जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके पास ऑलरेडी है उसको लेकर आइएगा, और अप्लाई करने के बाद एक रिसीविंग मिलता है, तो काउंसलिंग के समय तक यदि ना बने तो रिसीविंग लेकर आ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैन तो देखा जाए तो आपका कॉलेज में आपका सारा चीज चेक होगा, अलॉटमेंट जहां मिलेगा वहां पर, ठीक है, यहां पर तो थोड़ा बहुत कंसिडर होना चाहिए, बट सर्टिफिकेट यदि आप कैटेगरी का लगाए हैं तो आपको सर्टिफिकेट वो देखेगा, ठीक है, कास्ट रेसिडेंशियल और इनकम का। हाँ, इनकम का बहुत ज्यादा हो सकता है जरूरी ना हो, वो तो स्कॉलरशिप के टाइम जरूरत पड़ता है, लेकिन हो सकता है अभी भी मांग दें, इन लोगों को तो बहाना भी चाहिए ना कि ताकि हम छांट दें बच्चों को, ठीक है, कोई भी ज्यादातर चाहता है कि बच्चों के अंदर कुछ भी फॉल्ट रहे तो हम माफ ना करें, तो इसलिए अपने तरफ से कोई फॉल्ट नहीं रखिएगा। नेक्स्ट है राजेन मरांडी का कहना है कि सर सीएमएल है 28,000, एसटी से हूँ, फीमेल हूँ। तो राजन मैम देखिए यहाँ पर देखिए कि आपका जो है सीएमएल रैंक आपका 28,000 है, और मानते हैं कि एसटी कैटेगरी से है बट सीएमएल रैंक 28,000 है, तो सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जा रहा, तो हो भी सकता है कि तीसरे काउंसलिंग में नहीं बुलाया जाएगा, तो ओपन काउंसलिंग होगा उसमें आप जाइएगा कॉलेज, आपको वहां बुलाया नहीं जाएगा, आपको रांची यूनिवर्सिटी नहीं बुलाया जाएगा ओपन के लिए, वो ओपन काउंसलिंग होगी ना, तो ओपन काउंसलिंग के लिए जब बोल दिया जाएगा तो कंसर्न जो भी कॉलेज होंगे आपको वहां जाकर आपको कॉलेज से कंसल्ट करना पड़ेगा और आपका एडमिशन होगा, ठीक है। राजेश उरांव का कहना है कि चतरा या हजारीबाग कॉलेज में से बेटर कौन सा है? तो देखिए हजारीबाग में जो कॉलेज है, हजारीबाग में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, वो तो गवर्नमेंट कॉलेज है, और चतरा की जो आप बता रहे हैं वो तो चतरा में तो वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यदि आपका रैंक यदि बहुत अच्छा आया है तो हजारीबाग कॉलेज में ले लीजिएगा, और रैंक यदि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब कि जैसे 1,000-1,500 इस तरह का सीएमएल रैंक है आपका, 1,000-1,500 के आसपास में, तो आप चतरा कॉलेज में ले सकते हैं। और यदि आपका 100-200-400 के अंडर में सीएमएल है या 500 तक में आपका सीएमएल है तो फिर हजारीबाग के लिए आप अप्लाई कीजिए ताकि आपका उसमें हो जाए, समझ गए ना, क्योंकि गवर्नमेंट और प्योर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के फी में भी तो अंतर है ना,
नेक्स्ट देखिए, और आपके घर के आसपास में कौन सा कॉलेज है वो भी आप देख लीजिए। बहुत से स्टूडेंट हैं कि घर के पास में प्राइवेट कॉलेज है और मनी प्रॉब्लम उनके पास है नहीं और कैटेगरी से भी हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, तब गवर्नमेंट में नहीं भी जाते हैं कि दूर कौन जाएगा, पास से ही कर लेते हैं। क्योंकि जितना भी कॉलेज है रांची यूनिवर्सिटी के अंदर, बीएड कॉलेज, सबका वैल्यू सेम है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, सबका सेम वैल्यू है, ठीक है। बस वो रांची यूनिवर्सिटी के झारखंड, हाँ झारखंड के अंदर में, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी नहीं, झारखंड स्टेट से एफिलिएटेड वो कॉलेज होना चाहिए, ठीक है, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए तब, ठीक है, किसी से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रिजू दत्ता, ऑनलाइन होना चाहिए था, हाँ ऑनलाइन होना चाहिए था रिजू मैम, बट क्या कीजिएगा, ऑफलाइन हो रहा। इन्फिनिटी थॉट्स का कहना है कि हम नाराज हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट क्या कीजिएगा, देखिए ऑफलाइन में तो खर्च भी है, परेशानी भी है। बट कुछ लोग ये भी बता रहे कि इसमें फेयर सिलेक्शन होगा, कोई पार्शलिटी नहीं होगा, पता नहीं ऑनलाइन में क्या पार्शलिटी हो जाता है, पता करना पड़ेगा। ममता साव का कहना है कि सर डीक्यू से हैं सर, डिसेबिलिटी कोटा से हैं सर, तो कैसे हम वहां जाएंगे। सही बात है ना, हो सकता है कि डिसेबिलिटी कोटा के लिए हो भी सकता है कि कुछ अलग कुछ रूल आ जाए, नोटिस कुछ आ जाए, बट अभी तक जैसा लग रहा है कि शायद आपको भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो घर के किसी मेंबर के साथ आप आ जाइएगा, पॉसिबल हो तो एक दिन पहले आप आ जाइएगा, जब आपका जिस दिन आपको बुलाया जाएगा ना काउंसलिंग के लिए, उसे एक दिन पहले आप आ जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मॉर्निंग से इवनिंग तक पूरे दिन भर चलेगा, तो ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक दिन पहले भी आप आ सकते हैं, आ जाइएगा, पर छोड़ना नहीं, ठीक है, छोड़िएगा नहीं आप, क्योंकि डीक्यू से, डिसेबिलिटी कोटा से हो सकता है आपका कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट मिल जाए या सेमी गवर्नमेंट मिल जाए, लक अच्छा रहा तो, ठीक है। सुजीत कुमार, कॉलेज फी कितना है सर? तो कॉलेज फी देखिए, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज का 20 से 25,000 आपको लगेगा, या 25,000, 27,000, 24,000, दोनों ईयर का लगेगा, इसी के आसपास में। और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में वही 1,00,000 या 1,10,000 के आसपास आपको लगेगा, और प्राइवेट कॉलेज में आपको 1,70,000, 1,65,000, 1,75,000, इस तरह का कुछ आपको लग सकता है, ठीक है। बिक्की सिंह, कितने दिन काउंसलिंग होगा? काउंसलिंग देखिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्स्ट डे में 500 बच्चे को बुलाया जाएगा, सेकंड डे 1,000 को, फिर उसके बाद 1,000 को, ठीक है। तो कुछ दिन वही हो सकता है कि चार पांच दिन, छह दिन, इस तरह का कुछ काउंसलिंग चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है निक्की सिंह, कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहे, सीएमएल रैंक है 19,000, जनरल से है, पेमेंट कैसे पेमेंट करना, अच्छा पेमेंट मुझे करना चाहिए क्या, अच्छा क्वेश्चन पूछे कि मुझे पेमेंट करना चाहिए क्या, मेरा सीएमएल रैंक है 19,000। तो देखिए, आपको यदि काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा, सीएमएल रैंक आपका 19,000 है, तो यदि आपको सपोज बुला लिया जाए, मतलब कि आप बहुत ही लकी हैं, तो जरूर, हाँ नहीं नहीं अच्छा पहले तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, नहीं आप पेमेंट कर दीजिए, आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। निक्की आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए, भले आपको ना बुलाया जाए, लेकिन आप पेमेंट कर दीजिए, यदि आपको नहीं बुलाया जाएगा तो ये अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप पेमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट अतिया परवीन, अतिया परवीन का कहना है कि थैंक यू सर, ऑफलाइन होगा क्या? हाँ हाँ ऑफलाइन होगा काउंसलिंग, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी, रांची आना पड़ेगा, और रांची में एक जगह का नाम है कचहरी, ठीक है, कचहरी चौक है, कचहरी चौक आप आ जाइएगा, कचहरी चौक आने के बाद वहां से राइट टर्न लीजिएगा, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे पैदल भी आप जा सकते हैं वहां पर, ठीक है। आर्यभट्ट ऑडिटोरियम है, मोराबादी जगह का नाम है मोराबादी, ठीक है, आर्यभट्ट ऑडिटोरियम है, वहीं पर काउंसलिंग होगा, ठीक, और मैं फिर गाइड करते ही रहूंगा, ठीक है। सावित्री, सीएमएल रैंक है 33,000 समथिंग है, तो सावित्री मैम चांस है कि आपको काउंसलिंग के लिए तो हो सकता है ना बुलाया जाए, बट ओपन काउंसलिंग होगा और आराम से उसमें एडमिशन हो जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट, ये कोई, आप लोग जो इतना डर रहे हैं, हम लोग जो इतना डर रहे हैं कि मेरा रैंक खराब है, क्या होगा, हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, गलती बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये सीएमएल रैंक अच्छा लाने पर ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी मिल जाता है, बस वही एडमिशन होता है और क्या, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो। हम लोग इतना डर क्यों रहे हैं? बस डर इसलिए रहे हैं कि प्राइवेट में फीस ज्यादा लगता है, ठीक है, और मनी प्रॉब्लम सबके साथ में है, नहीं तो डरने की कोई बात नहीं है, आप डरिए मत, अधिक से अधिक प्राइवेट में होगा ना किसी तरह कर लीजिएगा, और यदि कैटेगरी है तो फिर आपको
स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं, आपका भी एडमिशन होगा, सबका एडमिशन होगा, कोई डरिएगा मत, बस झूठ मूठ का डराया जा रहा है, मुझे पता है ना रियलिटी, मुझे पता है कि क्या है, बट मैं ओपन इस तरह से नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, एडमिशन सबका होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए फिर, आज मैंने रिप्लाई कर दिया, आप लोग सब लोग रिप्लाई को देख लीजिए, देख लीजिए जो भी मैंने आंसर दिया है, रिप्लाई को देखिए, और कुछ पूछना हो जरूर पूछिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग के साथ हम लोग हैं हमेशा, ठीक है, आप लोग टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप लोग अकेले नहीं है, हम सब सब आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू एवरीवन।